हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कल का ब्लॉग है और ये वाला जो क्लिप है ना, परसों रात में का है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो सामान हम लेके आए हुए थे, इसको मैं अभी ओपन कर रही हूँ क्योंकि ये प्लास्टिक से इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से बांध दिया गया, क्योंकि हम थैला लेके तो गए नहीं थे, तो इसी वजह से। तो मैं तो अपने वॉइस यहाँ पर दी थी, बट टी वी की इतनी सारी नॉइज़ थी ना बैकग्राउंड में कि मेरे को उसको म्यूट करके मैं फिर से इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो चॉकलेट वगैरह है, ये सब बाबू ने ही खुद से लिया था। जेम्स चॉकलेट जो जो मर्जी हुआ वो उठाया। और मैं तो बहुत दिनों बाद गई थी ऐसे बाहर, और कसूरी मेथी हमारे घर में ख़त्म थी, तो ये लिए, फास्ट कार्ड लिए। फास्ट कार्ड की ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है, हमेशा तो नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी शाम के टाइम हम निकलते हैं, घुसते हैं ना घर के बाहर, तो फिर मच्छर एक दो आ जाते हैं। ब्रेड नहीं था तो ब्रेड लिए, और फास्ट कार्ड तीन इन्होंने लिया था, तो इसकी ज़रूरत मैं बताई ना कभी कभी पड़ती है, तो रहना चाहिए घर में। और उसके बाद ये दो थैले थे, एक थैला मैं लेके आई, साथ में आइसक्रीम वगैरह भी था, तो उसको मैंने फ्रिज में डाल दिया है। और जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली थी ना, उसको मैंने वॉश करके और फ्रिज में डाल दिया था। बाकी सारी चीज़ें यहीं पर थी। ये नारियल पानी तीन लिए, और 50-50 ये बिस्किट, ये बड़ा अच्छा लगता है, मीठा और मतलब नमकीन मीठा दोनों लगता है। फ्रूटी लिए, और साथ में मतलब ये फ्रूटी वगैरह ना बाबू जब बोलता है कोल्ड ड्रिंक के लिए, तो ये बोले कि ले लेता हूँ, इसी को देना जब वो कोल्ड ड्रिंक मांगेगा। तो ये मैं सोफ़ी दो पैकेट ली, तो यहाँ पे 50-50 बिस्किट एक और है। तो यहीं सारी कुछ ज़रूरत की जो चीज़ें नहीं थी, सारी चीज़ें थी, हम दो तीन जो चीज़ें हम लेने गए थे ना वो नहीं ले पाए थे, बाकी अलग अलग से ये सब हम ले लिए थे। और ये धूप बत्ती जो है मंगलम का, ये मैंने लिया क्योंकि पूजा के पास बत्ती ख़त्म हो गई। ये जो नमकीन है, ये हल्दीराम वाला, हल्दीराम का नमकीन मुझे बहुत पसंद आता है, पता नहीं क्यों। लेज़ वगैरह ये था, बाबू ने दाल ख़त्म था, हाँ दाल हमारा आ गया, और उसके बाद इनो भी ख़त्म था, पैकेट वाला था, लेकिन मैं हमेशा बोतल वाला ही शीशे वाला रखती हूँ। और साथ में पुदीन हरा का भी, ये भी हमारे घर में थोड़ा सा था तो ख़त्म हो गया, तो मैं गई ना तो सोची कि चलो ले लेती हूँ साथ में ही। तो यही इतना सा मैंने ब्लॉग शूट किया था परसों रात में, और उसके बाद मैं आपको मिलूँगी कल नेक्स्ट मॉर्निंग में। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कल का ब्लॉग मॉर्निंग टाइम में। इनके लिए मैं ब्रेकफास्ट प्लस लंच दोनों पैक कर रही हूँ। तो ये भिंडी की सब्ज़ी सुबह सुबह मैं बनाई हूँ और इसको रख दी हूँ, और जल्दी जल्दी रखना पड़ता है, इस टाइम पे टाइम ही बहुत कम होता है, तो इस टाइम का तो मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाती हूँ। मेरे को लगा कि चलो आज थोड़ा सा रख शूट कर लेती हूँ। तो एक मेरे दोपहर के लिए लंच की सब्ज़ी रोटी है, दही है, और उसके बाद मॉर्निंग के लिए दो डब्बे में ना, मॉर्निंग के लिए मतलब 7-7:30 के आसपास ये जो ब्रेकफास्ट करते हैं, रोटी है, सब्ज़ी है, और मैंने खीर रख दी है मॉर्निंग के लिए ना, खीर मैं बनाई थी तो उसको फ्रिज में रखी थी रात में, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा रख दिया, वो सुबह सुबह खा लेंगे। तो यही इनका जो है ना, ये वाला डब्बा जो था इसको नीचे रखना पड़ा क्योंकि छोटा वाला, ये इसका जिप बंद नहीं हो रहा था, तो फिर मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर रही हूँ। साथ में पानी की बोतल वो भी मैंने भर दिया है, और इनके बैग में उसको भी डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा बहुत डस्टिंग करना था मुझे, वो सब मैं कर रही हूँ क्योंकि कल बहुत ही तेज़ आंधी आई थी, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल नहीं, क्योंकि दरवाज़ा बंद करने के बाद भी ना फिर भी कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है, तो वो सब मैं साफ़ कर रही थी। और स्पेशली ये टेबल तो मेरे को डेली करना पड़ता है क्योंकि कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है, स्पॉश कुछ खाएगा इस पर रख देगा, ऐसा कुछ हो जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9:30, और ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। उठ तो बहुत पहले गई थी, लेकिन मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट नहीं करी थी क्योंकि कुछ काम ऐसे हो जाते हैं ना, ये लगता है कि नहीं पहले काम को फिनिश करो, उसके बाद जो भी अपना रूटीन है उस तरह। तो अभी सोफ़ा अगर अपने स्पर्श कुछ ना कुछ गिरा देता है, जिसकी वजह थोड़ा सा मेरे को इसको भी साफ़ करना पड़ता है, और डस्ट वगैरह कल तो आंधी तूफान आए थे, तो डस्ट वगैरह टेबल पे भी थोड़े बहुत हो गए थे, इधर भी हो गए थे। अपना मेरा डेली का काम है ये टेबल वगैरह क्लीन करना, वैसे तो मैं ज़्यादातर स्प्रे करके ही करती हूँ, लेकिन आज मैंने जस्ट ऐसे ही कर दिया, कल अब मैं करूँगी, एक या दो दिन ना गैप कर देती हूँ, फिर मैं स्प्रे से करती हूँ, डेली डेली ऐसे नहीं करती हूँ। जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी बाबू भी उठ चुका है, उसको मैं अभी जा रही हूँ नहलाने, और ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। होमवर्क बनाते हैं ऐसे सो के, चलो उठ के बैठो, उठ के बैठ के होमवर्क बनाओ। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है अभी, और स्पॉट्स अभी अपना होमवर्क कर रहा है, दिखाना मैं इसको ना कर दे के और चली गई थी,
मशीन चलाने के लिए। 5 मिनट में बस कपड़े मेरे वॉश हो जाएंगे। आज मैंने कॉम्ब भी नहीं किया है, ऐसे ही है। और मुझे वीडियो भी बनानी है, बस 5 मिनट की वीडियो बनानी है, वो तो मैं ना कभी बना लूँगी। अभी थोड़ी देर बाद जब कॉम करूँगी उसके बाद मैं वीडियो बना लूँगी। अरे वाह, आप इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखे हो? ये खुद से होमवर्क बनाया है ना, मैं बैठी नहीं थी। तो इसका क्या है ना, जैसे बुक्स वगैरह में नहीं लिखे होते एकदम, जैसे 4 लिखा होता है एकदम स्क्वायर शेप में, 4 या फिर 5 ऐसे जैसे बुक्स में लिखे होते, वैसे इसने ना लिखना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों, पहले तो ठीक लिखता था, 6 है ना, डब्बे जैसे 6 बनाता है, ऐसे 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 स्क्वायर स्क्वायर करके बनाता है। हिंदी कैसे ही छोड़ दी हो, थोड़ा सा लिख के मैं अपने सामने लिखवाऊंगी आपको। अब ये तो कल देखिए पूरा इस शोर है, पूरा स्क्वायर ऐसे लिखता है, ये दिख रहा है आपको? हाँ, ऐसे पूरा लिख लेता है, इसको याद हो गया पूरा। तो मैं बाद में बनवाऊंगी, ठीक है? इसको सब डब्बे में डालो, बेड ठीक कर दूँ, हटो बेड ठीक करूँ। ठीक ही थी, फिर कबाड़ा इसने बना दिया है बेड का। कपड़े भी मेरे वॉश हो गए, जा रही हूँ उसको डाली, बाहर ही डाल, इधर ही डाल देती हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा, इधर भी सूख जाएंगे। आप बाद में करना, ठीक है? मैं इसको रख दूँ। तो बस मैंने अभी मशीन बंद की और आधे कपड़े तो ड्राई हो ही जाते हैं, थोड़े बहुत रहते हैं तो ये इधर ही सूख जाएंगे क्योंकि बाहर बहुत ही तेज़ की धूप थी। दोपहर में तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है ना कि दरवाज़ा खोल के बाहर निकलो, तो इधर ही मैं सोची कि चलो डाल देती हूँ। और स्पॉश के कपड़े थे कल शाम को जो हम गए थे ना वहाँ शॉपिंग करने के लिए, जब पहुँच गए थे तो सारे कपड़े आने के बाद बाबू के लिए भी निकाल के सब मैंने मशीन में डाल दिया था। तो कल मैं वॉश रात में नहीं कर पाई थी, सोची कि कल इकट्ठे सारे कपड़े वॉश करूँगी। और मेरे नाइट वेयर वगैरह हैं तो सारे कपड़े मैंने फाइनली डाल दिए हैं। और उसके बाद ये कूलर बाबू हमेशा चला देता है जब मर्जी, अगर नहीं। दोपहर का लंच बना रही हूँ, दाल चावल यहाँ पे निकाल ली हूँ मैं, और ये जो मैं आलू डाली थी ना, आलू में प्याज लहसुन ये सब कुछ कट कर निकाल, ऊपर से बेसन की मैंने कोटिंग की है। मैंने पेस्ट नहीं बनाया था, बस सूखा बेसन इसके ऊपर मैं लगाई हूँ। और देखिए कितना सा ऑयल डाल के बस मैं इसको सेक ले रही हूँ। ये हमारा लंच हो जाएगा और लंच करने के बाद फिर मैं मिलती हूँ। देखिए दाल चावल निकल चुका है। अभी स्पर्श को मैं बुला रही हूँ, टाइम 3:30 हो गया है लंच करने के बाद ना, मैं लेट गई थी। और अभी ट्यूशन, अभी थोड़ी देर बाद बाबू का स्टार्ट होगा। और बस पता है गर्मी होती है ना तो ऐसा लगता है कि बन बना लो यही सही है, बैठ जाओ, नहीं सामान नहीं वो कर देना इधर उधर। बाबू बस फ्लावर में रहता है इधर उधर करने में। तो अभी होमवर्क भी कराई थी, सो के उठी ना उसके बाद, सो के मतलब ऐसे लेटी हुई थी, होमवर्क कराई इनको, होमवर्क इनका हो चुका है। और मैं जस्ट इंस्टाग्राम ओपन की थी और थोड़ी देर मैं उसी पे थी, उसके बाद मैं अभी जस्ट बैठ के सोची कि चलो आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है नैन्सी पांडे, जो कि जिनका हमेशा मेरे कमेंट्स में ना, वीडियो के नीचे आप लोगों को कमेंट दिख जाता होगा, हमेशा करती हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम से उनका कमेंट्स नहीं आ रहा था। तो उन्होंने परसों मेरे को, हाँ कल नहीं परसों मेरे को मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि दी
मेरे को बेबी बॉय हुआ है। एक्चुअली वो प्रेग्नेंट थी ना, तो भी मुझसे उन्होंने शेयर किया था इंस्टाग्राम पे कि अपने बारे में। फिर मैं भी वेट कर रही थी कितने मंथ हुए कितने मंथ हुए। उन्होंने परसों मेरे को मैसेज किया कि शारिका जी मेरे को बेबी बॉय हुआ है, और तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि किसी भी ऐसे सब्सक्राइबर से ऐसे अटैच होना दिल से, तो उसके बारे में जानने की भी इच्छा होती है, हमें भी जानने की इच्छा होती है। आप लोग जहाँ तक हमारी लाइफ के बारे में जानते हो, तो कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनसे मैं इंस्टाग्राम पे जुड़ी हुई हूँ, वो अपनी बातें बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशन वहाँ पे तो वैसे मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन उनको बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे भी मैं उनको बोल रही हूँ बहुत बहुत बधाई हो डियर। और आप लोग भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आएँ आगे। और इस टाइम पे तो इंसान बिजी हो ही जाता है, जब भी इतना मतलब ये टाइम ही वैसा होता है ना कि बिल्कुल भी टाइम किसी को नहीं मिलता है। क्या खाना? आइसक्रीम खाना है, चलो आइसक्रीम दे दूँ। गुदगुदी गुदगुदी स्पर्श को गुदगुदी गुदगुदी ईश्वर को गुदगुदी गुदगुदी। आज स्पर्श टी शर्ट नहीं पहना है ना, टी शर्ट आज नहीं पहना है, मांगने लगा। इसको याद था ना कि चिप्स आया है, चिप्स आया है, तो अभी अभी फिर इनको चिप्स दी हूँ खाने के लिए। चिप्स खा के ये मेरी ट्यूशन करना स्टार्ट करेंगे अपना। तो फ्रेंड्स मैं इस ब्लॉग को ये पेंट करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।